ये रामपुर के आखिरी नवाब रहे थे और मौजूदा मिक्की मियाँ के पिता और नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ के दादा थे। देखिए दोस्तों, ये रामपुर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राणा धीरेन्द्र साईं ब्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं अपने राष्ट्रीय धरोहर को देखने के लिए, और आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे रामपुर रियासत की एक दूसरी ऐतिहासिक इमारत दिखाने के लिए, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो रजा लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, और जो यहाँ के नौवें नवाब रजा अली ने जिसका निर्माण करवाया था। आप एक बार मैं आपको पूरा व्यूज़ दिखा दूं, पूरा यहाँ से जो व्यूज़ आपको आ रहा है ये देखिए। अक्सर आपने इसे अखबारों में और किताबों वगैरह में देखा होगा, लोग देश विदेश से इस इमारत को देखने के लिए आते हैं। ये रजा लाइब्रेरी है जो कि रामपुर में स्थित है। ये यहाँ का हमारा फ्रंट है, आप इसको देख सकते हैं, इसका ये व्यूज इस साइड से। यहाँ फब्बारे बने हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं। अभी हम इसके अंदर जाएंगे तो रामपुर का पूरा इतिहास मैं आपको दिखाऊंगा, सारे नवाबों का पूरा इतिहास। और इस रजा लाइब्रेरी की खास बात ये है कि यहाँ बिल्डिंग का जो नक्शा है वो लगभग ताजमहल की तरह है। देखिए दोनों ओर इसके ये मीनारें बनी हैं। ये देखिए, ये व्यूज़ में इसकी मीनारें हैं। और जब हम इसके इस साइड जाएंगे तो इधर भी हमारी दो मीनारें दिखाई देंगी। अब हम चल रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए, पूरे का पूरा एक व्यूज मैंने लिया है, कुछ उर्दू में लिखा है जो हमें आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा इसके बारे में एक डिटेल है कि ना चाहें। ये सामने देखेंगे, सामने इसकी गैलरी है, और अगर आप यहाँ पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक निकाल कर, और ये रीडिंग रूम है, आप ये देखिए यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, यहाँ बैठकर आप पढ़ सकते हैं, फिर जमा करा सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है, और यही हमारी कुछ पुस्तकें हैं जो लगी हैं। इस साइड में भी आप देखिए, यहाँ आपको यही नहीं कि इस्लामिक रामायण महाजमात तारीख़ फिरोजशाही और रोहेला इतिहास, ये देखिए यहाँ आपको हमें एक तरफ से बहुत सारी पुस्तकें लगी हैं। ये देखिए देखिए हुमायूं नामा है, तस्किरा है, मधुमालती है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ले अब देखिए, ये हम इसके अंदर आ चुके हैं, लगभग शाम का समय है। और ये देखिए, ये सुंदर ये इसकी ये कॉपी बना रखी है। ये देखिए यहाँ से बाहर का दोस्तों, अब हम आपको रामपुर के कुछ नवाबों के चित्र दिखाएंगे कि रामपुर के जो हमारे नवाब रहे हैं ये सब उनके फ़ोटो हैं, उनकी तस्वीरें हैं जिन्होंने रामपुर पर शासन किया। तो चलिए जूम कैमरे से दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे 1208 से 1794 तक
और लगभग लास्ट अगर देखा जाए तो 1966 तक रामपुर में नवाबी का दौर रहा, और उस दौर में कौन कौन नवाब रहे, ये हमारे पहले नवाब थे जिनका नाम था नवाब फैजुल्ला खान, जिन्होंने इस रियासत को बसाया था। ये रामपुर रियासत इन्हीं की बसाई हुई थी। उसके बाद फिर हमारे थे मोहम्मद अली खान बहादुर, ये दूसरे नवाब हुए, और इनके इस्तेमाल किए गए कुछ बर्तन, कुछ चीज़ें ये इनके साथ लगाई गई हैं। फिर हमारे नवाब गुलाम मोहम्मद खान बहादुर, नवाब अहमद अली खान बहादुर, दोस्तों यही वो नवाब हैं जिन्होंने इस रजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। इन्होंने ही इसके साथ साथ ये इमारतों के बहुत बड़े शौकीन थे, और इन्होंने इसके साथ और भी कई सारी इमारतें बनाई, जिसमें कोठी खासबाग था और कोठी बेनजीर, कोठी शाहबाद, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये इनके इस्तेमाल करने की भी वो थी। फिर हमारे ये थे नवाब मोहम्मद सईद खां, जिनको जन्नत आरामगाह भी कहा गया। उसके बाद ये हमारे सातवें नवाब थे यूसुफ अली खान नाजिम, इनका शासनकाल जो रहा वो 1855 से 1865 तक रहा। फिर उसके बाद हमारे नवाब कलब अली खान बहादुर कुल्फी अरसिया थे, जिनका जो शासनकाल था वो 1865 से 1887 तक रहा। दोस्तों इनको सबसे क्रूर शासन भी कहा जाता था। फिर हमारे नवाब मुश्ताक अली खान अशमिया थे। फिर थे नवाब हामिद अली खान, और उन फिर हमारे आखिरी नवाब अगर कहा जाए तो नवाब रज़ा अली खान बहादुर फिरदौसी, ये रामपुर के आखिरी नवाब रहे थे, और मौजूदा मिक्की मियाँ के पिता, और नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ के दादा थे। देखिए दोस्तों ये रामपुर के आखिरी नवाब थे, तो ये नवाबों की पूरी हिस्ट्री और सभी नवाबों के चित्र मैंने आपको दिखाए हैं, और ये देखिए दोस्तों कुछ और चित्र हैं। और नवाब अली मोहम्मद खान का आंवला वाला ये इनका मकबरा है, ये आंवला में है, जिसकी बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। और ये मकबरा नवाब फैजुल्ला खान का है, इसकी भी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए दोस्तों ये नवाबी के समय के कुछ बर्तन हैं जिन्हें नवाब ख़ानदान इस्तेमाल किया करता था। ये उस दौर के चाकू हैं जो नवाबी के समय में इस्तेमाल किए जाते थे। अजीब और बहुत ही सुंदर बेशकीमती इनके ये चाकू वगैरह थे, और चाकू के लिए तो वैसे भी रामपुर मशहूर था। ये देखिए, फिर ये इधर हैं एक चाकू, ये देखिए, देखिए फारसी में रामायण है, रामायण का अनुवाद करवाया गया था अकबर द्वारा, तो ये रामायण फारसी में है, और ये पवित्र कुरान है। अगर आप इन सब पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आएँ और पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसका आपको व्यूज़ ऊपर का और व्यूज़ दिखा दूँ, तो ये देखिए कितनी सुंदर और चित्रकारी है, सब लोग संगमरमर है। और बहुत ही इस कीमती दोस्तों, इसमें झूमर वगैरह लगे हैं, कुछ बर्तन हैं उस दौर के, कुछ मूर्तियों के टूटे हुए अवशेष हैं जो मिले हैं। ये नवाब साहब की ओरिजिनल तस्वीर है, देखिए तो आ रहे हैं घूमने। ये देखिए दोस्तों ये पूरा लाइब्रेरी के बाद का, अभी हम लाइब्रेरी के फाउंडेशन पर खड़े हैं, और ये इसके बाहर का पूरा व्यूज़ है। हाँ ये देखिए, ये भाई हैं जो लजा लाइब्रेरी में घूमने आए हैं, और ये सो रहे हैं, ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर हम इसको देखेंगे एक तरीके से तो बिल्कुल ताजमहल की ही तरह ये मीनारे चारों साइड हैं, और चारों कॉर्नर से बिल्कुल एक सा लगता है, ये बिल्डिंग चारों तरफ से हमें बिल्कुल एक सी दिखाई देती है। अब चलिए फिर से एक बार पार्क में घूमते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।